यार बंसल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको स्वाद और सेहत से भरपूर विंटर स्पेशल में जिमीकंद का भरता बनाना बताएंगे, जिसे बहुत आसानी से घर में बनाकर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए हमने लिया है जिमीकंद, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको छीलेंगे। अब छीलने के लिए सबसे पहले हाथ पर ऑयल लगाएं। ऑयल लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिमीकंद ऐसे ही कट करेंगे तो हाथ में खुजाल चलेगी। अब एक चाकू की हेल्प से कट लगाएं। देखिए हमने छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं, अब हम इसको छीलेंगे। देखिए हमने जिमीकंद को छील लिया है, अब हम इसके छोटे छोटे पीस कट करेंगे। इसी तरह से सारे पीस कट करें। कुकर लें, कुकर में जिमीकंद के पीस डालें और पानी ऐड करें। अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और नींबू का रस। ऐसा करने से जिमीकंद का स्वाद बढ़ जाता है। अब कुकर को लगा दें और एक सीटी आने तक जिमीकंद को बॉईल करें। देखिए जिमीकंद बॉईल हो चुका है। इसमें हमने 2 से 3 सीटी ली है, एक सीटी से ये हुआ नहीं था। इसको पानी में से निकाल लें। अब गैस पर एक पैन रखें, पैन को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और अगर सरसों का तेल आप यूज़ नहीं करते हैं तो जो भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं उसी को डालें। देखिए ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें ऐड करें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, राई, जीरा, हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, और बारीक कटा हुआ टमाटर डालकर सभी चीज़ों को मिक्स करें। टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई होने दें। इसमें ऐड करें स्वाद अनुसार नमक। नमक इसमें कम ही डालें क्योंकि जब हम जिमीकंद को बॉईल कर रहे थे तो हमने उसमें भी नमक ऐड किया था, इसलिए अभी कम ही यूज़ करें। नमक को मिक्स कर दें और टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने दें। टमाटर फ्राई हो रहे हैं तब तक हम एक मैशर की हेल्प से जो जिमीकंद को हमने बॉईल किया था उनको मैश करेंगे। इस तरह से मैश कर लें। देखिए टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी, एक उबाल आने दें। अब इसमें ऐड करें कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। अब हमने जो जिमीकंद को बॉईल करके मैश किया था उसको इसमें ऐड करें, अच्छी तरह से मिलाएं। मिलाकर 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भुनें। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएं। ऐड करें हरी धनिया पत्ती और गर्मा गर्म जिमीकंद के भरते को सर्व करें। इसको आप पूड़ी, पराठे, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और इसको 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जिमीकंद सर्दियों में फायदा करता है, इसलिए आप भी इस तरह से जिमीकंद का भरता बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।